और बीम में अगर आप आना चाह रहे हो कि सब मैं इसमें कुछ बड़ा करना चाहता हूं, सिर्फ एक गाइड की रिक्वायर्ड है, तो वो गाइड मैं बन सकता हूं। एक नया बैच हम लोग अनाउंस कर रहे हैं 20 जून से ऑफिशियली, आज आपको अनाउंस करके बता दे रहा हूं। 20 जून से स्ट्रक्चर्स की जो बैच है वो चलेगी इवनिंग में 10:30 से 11:30, और जो बीम की बैच चलेगी वो मॉर्निंग 7:30 से 9 चलेगी, क्योंकि उसके बाद सब जॉब में चले जाते हैं तो सबको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 7:30 से 9 कर दिया है। गाइस ये बैच का डेट है, और सबसे खास बात ये है कि दोनों बैच में केवल 15 ही 15 बच्चे होंगे, मीन स्ट्रक्चर्स में 15, बीम में 15। इसलिए मिस मत करना, पहले जितना पहले हो सके आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कई लोग सोच रहे होंगे सर इसकी फी क्या है और प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो गुड न्यूज और है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो स्किप कर जाओगे। एक गुड न्यूज ऐसा है कि आपका बहुत हेल्प हो सकता है इससे। तो चलिए, तो पहला इसमें कैसे करने वाले हम लोग, इसकी जो फी रखा है हमने 20,000 रखा है, 20,000 इसका फी रखा हुआ है, इसको आप ईएमआई बेसिस पे 5-5-5 करके पे कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जो भी अगर किसी ने ऑल इन वन का स्ट्रक्चर या फिर बीम का लेक्चर लिया हुआ है तो उसकी फी जो है वो माइनस हो जाएगी इसके अंदर। तो अगर उसका जो भी आपने फी पे किया होगा 6,000-3,000 जो भी रहा होगा फी, वो इसके अंदर माइनस हो जाएगा। रेस्ट ऑफ फीस आपको पे करना है, वो भी ईएमआई पार्ट में आप कर सकते हो। पहला ये चीज है। दूसरा चीज इसमें क्या करने वाले गाइस, इसमें गाइस मैं आप सबको स्ट्रक्चर्स के लेक्चर्स असाइन करता हूं, कि आज लेक्चर मेरे पास ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड है बीम के भी और स्ट्रक्चर्स के भी, तो मैं आपको लेक्चर असाइन करता हूं, लेक्चर 1 से लेक्चर 3 आपको वॉच करना है। उसके बेसिस पे आपको टास्क दिया जाता है कि ये टास्क आपको कंप्लीट करना, और टास्क कंप्लीट करने के बाद उसको मैं चेक करता हूं पर्सनली, एक एक लोगों का चेक करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि ये गलती आपने किया हुआ है, फिर दूसरा टास्क असाइन करता हूं। और उसके बीच में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है इंटरव्यू के, ढेर सारे डिस्कशन इंटरव्यू के, जो जो टॉपिक्स हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स में 4 महीने के अंदर सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा, जैसे कि रेरा है, बिल्डिंग बाय लॉ है, ठीक, कॉलम के पोजीशन है, कॉलम के ओरिएंटेशन है, बीम के ओरिएंटेशन है, बीम के बारे में सब कुछ, बीम का शियर फोर्स, बीम का डिफ्लेक्शन, बीम का बेंडिंग मोमेंट, सब कुछ कवर करते हैं इसके अंदर। मीन स्ट्रक्चर्स में कुछ ऐसा ना हो जो पूछ सके बाहर से और आपके अंदर ना पता हो, ऐसा होगा नहीं। और सेम चीज हम लोग बीम में करते हैं, एलओडीज, 2D, 3D, 4D, 5D, एकदम डीप में हम लोग चले जाते हैं बीम के, जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर इंटरव्यू पूछे तो आप क्रैक कर लो। कुल मिला के टारगेट है इन दोनों बैच का कि अगर बीम में आप सच में कैरियर बनना चाहते हो तो 4 महीने मुझे देना। रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर 3 दिन आप असाइनमेंट्स करके नहीं आएंगे तो मैं बैच से रिमूव कर दूंगा, सीधे सीधे बात है। दूसरी चीज इसमें कि 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है, 80% अटेंडेंस अगर आप देते हैं तो मैं आपको अच्छे अच्छे जगह पर जहां जहां ओपनिंग चल रही वो भी रिफर करूंगा कि देखो यहां ओपनिंग चल रही है, कवर लेटर बनवाऊंगा पर्सनली, आपका रिज्यूम बनवाऊंगा पर्सनली, आपका पोर्टफोलियो बनवाऊंगा, सब कुछ आपका 1-to-1 होता है इसलिए। और साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराते हैं कि आप बैठो सामने, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। और इसमें जो गुड न्यूज दूसरी है वो तो बहुत ही बेहतरीन है, तो गुड न्यूज दूसरी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल से रिलेटेड ही है। तो गुरुकुल में मैंने फेस किया कि अभी जो मेरी बैच चल रही है करंट, उसमें देखा तो कई बच्चों की कम्युनिकेशन बहुत ही वीक है और कई लोग बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ड है, ठीक है। तो इस इंट्रोवर्ड को एक्सट्रोवर्ड बनाने के लिए और कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं अलग से एक ग्रुप बना दे रहा हूं अभी। तो उस ग्रुप में बच्चे आके, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना कि सर माहौल ही नहीं मिलता, मेरे घर में कोई बात ही नहीं करता इंग्लिश में, तो कैसे बात करें, अब ये सब बहानेबाजी बंद। क्यों? क्योंकि आप ग्रुप है, उस ग्रुप में 15 बच्चे हैं, आप आराम से खुद से आप मीटिंग क्रिएट कर लीजिए गूगल मीट से और आराम से एक दूसरे से टॉक करिए, जितना बात कर सकते हैं रिलेटेड टू सिविल, रिलेटेड टू जो भी एक्स वाई जेड, बट हम नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए, वो आप डिस्कशन कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस बढ़ेगी, जिससे कि 4 महीने बाद जब आप निकलो तो एक जो इंग्लिश स्पोकन कोर्स वाले जो लोग होते हैं ना, वो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये तो 110%, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये थी दूसरी गुड न्यूज। तीसरी गुड न्यूज इन दोनों से भी और अच्छी वाली है, क्या? अगर आपको लगता है कि मैं इस स्किल्स में सर एकदम परफेक्ट हूं, मैं इस स्किल में एकदम परफेक्ट हूं, मैं जॉब में हूं या फिर जॉबलेस हूं, अगर आप मेरे साथ फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हो, वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, अगर आपको स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से आता है, आपको स्टैट, ईटीएफ या फिर एसएपी 2000 या फिर कोई और भी एनसी सॉफ्टवेयर, या फिर आपको कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है, या फिर आप क्या बोलते हैं सेल्स में बहुत अच्छे हैं, आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे हैं, जिस भी डोमेन में आपको लगता है सर मैं बहुत अच्छा हूं, उस डोमेन में अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, फुल टाइम के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि फुल टाइम के लिए ऑफकोर्स अभी हमारा बजट उस लेवल का नहीं पहुंचा हमारी कंपनी का, मैं आपको पे कर पाऊं उतना, लेकिन अगर फ्रीलांसिंग बेसिस पर आप काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो आप मेरे मेल आईडी gurukulcivilengineering@gmail.com पे अपना जो भी काम आपने किया हुआ है या भी जो काम का नॉलेज है प्रॉपर उसको शेयर कर दीजिए,
और उसके साथ उसका जो सैंपल है वो भी शेयर करके अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा। अगर हमको अच्छा लगता है तो हम आपको खुद से कॉल करेंगे या फिर हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपसे हम बात करेंगे प्रॉपर कि आप क्या क्या कर सकते हो, पूरा डिस्कशन करेंगे, उस बेसिस पे आपको टास्क असाइन करूंगा। जितना काम करोगे आपको पार्ट टाइम घर बैठे उतनी अर्निंग होगी, ये तो 110% है। तो अब ये बहाना नहीं रहेगा कि यार मेरे पास स्किल्स है, कुछ मिल भी नहीं रहा है। करो ना यार, स्किल्स अगर सच में है तो आओ मेरे साथ, जुड़ो मेरे साथ, डेफिनेटली आपको पार्ट टाइम में भी एक अच्छी इनकम करा दूंगा। मीन्स आपको ये नहीं लगेगा यार मैं जॉब में नहीं, या फिर जॉब में है आपको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, आपका खाने पीने का पूरा खर्चा निकल जाएगा अगर आप सही से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल को देते हैं। तो गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com पे अपना मेल कर दीजिए, सर ये मुझे आता है, और सब्जेक्ट में लिखिएगा फ्रीलांसिंग जॉब या फिर पार्ट टाइम जॉब, ऐसा लिखिएगा, सो दैट मैं उस मेल को चेक करूं, प्रॉपर उसको स्टडी करूं और इसको कोशिश करिएगा जितना जल्दी कर सकेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट आएगा उसको जल्दी जल्दी से हम लोग देखेंगे कि भाई ये बेस्ट है, इसको चूज करते हैं, इसको चूज करते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं हायरिंग और करीब करीब हमको 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। सभी के सभी फ्रीलांसर्स रहेंगे, अपने अपने घर से काम करेंगे, प्लानिंग बड़ी है। आप जिस भी स्किल्स में एक्सपर्ट हो मुझे जस्ट आज ही मेल कर देना, गर्ल्स हो बॉयज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप घर से बैठ सकते हो, सिर्फ इंटरनेट आपके घर पर होना चाहिए, ये भी नहीं बहुत ज्यादा इंटरनेट मतलब मेल कर सको, इंटरनेट मतलब जो भी थोड़े बहुत काम है वो कर सको, इतना आपका रिक्वायर्ड है। चलिए तो ये तीनों गुड न्यूज होप आपको अच्छे लगे होंगे। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो पहला है तभी दूसरा तभी तीसरा काम करेगा। पहला क्या है, गुरुकुल में जल्दी से अपना एडमिशन ले लो। एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, कुछ भी अमाउंट अभी 1000-2000 गूगल पे फोन पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है नंबर है उसी पर आप करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो तो आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप कर लो कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो जल्दी से पहले सीट बुक कर लो, क्योंकि 15 के बाद 16 मैं कभी नहीं करता हूं, आप सबको पता है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो कम्युनिकेशन, वो मैं आपको अभी फ्री में गिफ्ट है मेरी तरफ से, ये कि आप सब अगर 15 लोग आ रहे हैं तो मैं आपको एक ग्रुप बना के दे दूंगा, उस ग्रुप में आप अपने आप डिस्कस कर सकते हैं, साथ ही साथ जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी आपके साथ उस डिस्कशन में सबमिटूंगा, और साथ ही साथ हो सकेगा तो मैं आपको गाइड भी करूंगा जितना मैं टाइम अवेलेबल कर सकता हूं अपना। अदरवाइज आप सबको तो दिन भर आप आराम से बात कर सकते हो दूसरे से। उसके बाद तीसरी गुड न्यूज है वो फ्रीलांसिंग का है, तो जितना जल्दी अगर आप जॉब चाहते हो उतना जल्दी आप मुझे मेल करो, अपना काम मेल करो कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ, ये देख लीजिए मैंने ये किया हुआ, मैंने रेंडर किया हुआ है, जो भी चीज में आप एक्सपर्ट हैं मुझे व्हाट्सएप करिए, सॉरी मुझे मेल कर दीजिए, और अगर आपको मेल में प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सबको बहुत प्रॉब्लम नहीं है, कर दीजिए। जल्दी से जल्दी हम लोग मिलेंगे और एक साथ मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। जो पहले आएंगे डेफिनेटली वो मेरे लिए, जब मेरी कंपनी और ज्यादा स्टैब्लिश होती जाएगी तो मेरे लिए वो फर्स्ट प्रेफरेंस होंगे, प्लस उनकी काम की भी काबिलियत मुझे पता चल जाएगी, तो डेफिनेटली उनका एडवांटेज ज्यादा होगा इस कंपनी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस। जय हिंद जय भारत। हाँ एक चीज तो बोली गया, क्या सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल का ही सारा काम बता रहा हूं, तो सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल का एक यूट्यूब चैनल है पर्सनली, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, सो दैट कि जो भी अभी, क्योंकि ये भी इन्फॉर्मेशन मैं सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल पे ही देने वाला हूं, आगे की जो इन्फॉर्मेशन वो भी सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में ही देने वाला हूं, सो प्लीज आके जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो, जैसे कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना। क्या हम लोग नया करने वाले हैं सब वहीं पर आपको बताऊंगा। चलिए जय हिंद जय भारत।